Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. Thank you very much for tuning in to this video. If you're someone who's already subscribed, then you might know me, but for those who are new to this channel, hi. My name is Shamali and in this channel I post content related to fashion and beauty. So, if it's something that you might like watching, do consider subscribing. I post videos every Sunday and I'm active on shorts as well, so stay tuned for that. Now, without much blabbering, let's just jump into the video. So, by the title of the video, you might have already known it's a Bottomware haul video. So, I have bought few pieces from फ्रॉम so all of these pieces are very affordable और काफी कम price में बहुत अच्छी quality मिल रही है तो so मुझे तो बहुत पसंद आया इनका quality मैं एक भी return नहीं करने वाली हूँ सब कुछ मैं रखने वाली हूँ क्योंकि मुझे इतना पसंद आया और मैंने इन सब को winter perspective से ही लिया है अभी winter है तो obviously winter के perspective से ही लेंगे लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इनको summers में पहन ही नहीं पाओगे ऐसा कुछ भी नहीं है आप समर्स में बिल्कुल पहन पाओगे लेकिन विंटर स्टाइलिंग के लिए मैंने एक्चुअली ये सब ऑर्डर किया है so, बहुत बातें हो गई अब चलिए शुरू करते हैं सो फॉर द फर्स्ट आइटम आई हैव अ स्कर्ट ये एक मैक्सी स्कर्ट है और आप सबको तो दिख ही रहा होगा मैक्सी स्कर्ट्स कितने ट्रेंड में हैं इस साल यू you नो know, हर सीजन समर्स हो विंटर्स हो या हर जगह आपको मैक्सी स्कर्ट से दिखेंगे में हो या कपड़े में हो ऐसा कुछ और डेनिम वाले बहुत प्राइसी आ रहे थे तो मैंने ये ले लिया इस स्कर्ट की बात करें तो ये स्कर्ट मुझे पूरा एंकल तक आता है और इसमें ऐसा इतना कुछ नहीं है प्लेन ब्लैक कलर में है इसका फेब्रिक भी थोड़ा हैवी है वो इसमें इलास्टिक दिया है तो अच्छे से फिट होगा ये यू you नो know, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल भी है मैंने इसमें ट्वेंटी एट साइज लिया था इसमें प्राइस जो तो नाइनटी नाइन लिखा हुआ है लेकिन मुझे अभी इसके एग्जैक्ट प्राइसेस याद नहीं मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी शायद ये 500 के अंदर या 600 के अंदर ही था क्योंकि उतना ही शायद मैंने इसके लिए पे किया है मुझे पूरी तरह याद नहीं तो मैं एग्जैक्ट प्राइसेस स्क्रीन पे ज़रूर से मेंशन कर दूंगी और इसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो चेक करना बिल्कुल मत भूलना और यहाँ साइड में एक स्लिट दिया हुआ है जो शायद से नींद तक आएगा मुझे अभी इतना याद नहीं क्योंकि मैंने इसको ट्राई करे हुए दिन हो गए मतलब जब ही पार्सल आया तो तभी मैंने खोल के ट्राई कर लिया क्योंकि मुझसे रुका नहीं जाता पार्सल देख के ही मुझे खोलना ही होता है क्योंकि यू you नो know, बहुत एंथोसियास्टिक हो जाती हों कि कौन सा पार्सल आया कैसे फिट होगा कैसे नहीं होगा तो मतलब इतना देर मुझसे रुका नहीं जाता और इस स्लिट की बात करें तो ट्रायन में आपको दिख ही रहा होगा कि मतलब कितना तक आ रहा है ये स्लेट मुझे देख के लग रहा है कि नी तक उससे ऊपर शायद से नहीं आएगा इसका फैब्रिक थोड़ा सा हैवी है लाइट फैब्रिक नहीं है तो विंटर के लिए परफेक्ट है समर में थोड़ा सा गर्मी लग सकता है और इसके अंदर कुछ लाइनिंग नहीं दिया हुआ है इसी का उल्टा कपड़ा है लेकिन हाँ ये सॉफ्ट है तो चुभेगा नहीं आपको और बाकी एक मैक्स चाहिए और वो भी ब्लैक कलर में हो सभी के साथ ही ये चला जाएगा और आपको इतना सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा और यू you नो know, एक वो बेसिक है और ये बहुत वेल well फिटेड है बहुत अच्छा लगा मुझे फाइव हंड्रेड के अंदर ये यू नो परफेक्ट है सो so, ये तो हो गई इस स्कर्ट की बात अब चलते हैं हमारे दूसरे आइटम की ओर एंड फॉर द सेकंड आइटम वी हैव दिस लेदर पैंट विथ अस जो मतलब हर विंटर ट्रेंड में होता है और यू नो लेदर पैंट्स कभी मुझे ऐसा लगता है ट्रेंड से जाते ही नहीं हर विंटर आप देखोगे ही लोगों को लेदर पैंट्स पहनते हुए मेरे पास एक ऑलरेडी है लेदर पैंट लेकिन वो स्किनी है और आजकल तो यू नो स्किनी से मन उठ गया है तो मैंने ये थोड़ा सा वाइड लेग स्ट्रेट फिट भी ले लिया है ये भी मुझे काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया था एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे अभी याद नहीं स्क्रीन पे मैं जरूर मेंशन कर दूंगी आप चेक कर लेना शायद से थाउजेंड या इलेवन हंड्रेड में ही मुझे मिल गया था और लेदर पैंस इतने कम में नहीं मिलता वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये लेदर पैंट यहाँ पे ऐसा एक बटन क्लोजर दिया हुआ है यहाँ जिप है और पॉकेट्स अभी है इसमें दो पॉकेट्स है इसके आगे पीछे कोई पॉकेट्स नहीं दिया हुआ है लेकिन ये बहुत टॉल गर्ल्स के लिए नहीं है मतलब ये मेरे एंकल तक ही फिट आता है और मुझे एंकल से नीचे जाने वाले ट्राउजर्स हो पैंट्स हो जीन्स हो ऐसे पसंद है लेकिन हार्डली मुझे मिलता है क्योंकि मैं थोड़ी सी टॉल हूँ इसमें वो थोड़ा सा इश्यू है लेकिन वैसे भी ये पेंट तो बूट्स या ऐसा कुछ के साथ ही पहनेंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा और इस पैंट का जो बेस्ट पार्ट है वो है इसके अंदर का फैब्रिक आप देख सकते हैं ये एक मतलब फ्लीस काइंड ऑफ फेब्रिक है एग्जैक्टली exactly फ्लीस नहीं है शायद लेकिन बहुत ही वार्म है ये फेब्रिक मतलब विंटर्स के लिए आपको अंदर और इसका ऐसा लाइनिंग या ऐसा कुछ नहीं पहनना पड़ेगा नॉर्मली लेदर पैंट्स में ऐसा होता है कि अंदर का फैब्रिक लेदर तो ऑब्वियसली वो कोल्ड होता है वो फैब्रिक तो मतलब अंदर आपको कुछ और स्टोकेंस ऐसा कुछ पहनना पड़ता है ताकि यू you नो know, आपका पैर मतलब ठंडा फील ना करे लेकिन इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें इसका अंदर का कपड़ा ही काफी है बहुत वार्म है मैंने इसको जब ट्राई किया था तब मतलब बहुत गर्मी लग गई मुझे अगर आप बहुत ही ठंडी जगह में रहते हैं या कहीं घूमने की प्लान कर रहे हैं तो मैं बोलूंगी कि आप ये जरूर से ले ये आपको बिल्कुल ठंडा नहीं होने देगा ये आपको अंदर से वार्म रखेगा बाहर से ट्रेंडी रखेगा और क्या चाहिए हमको और एक लेदर पैंट विंटर के लिए तो मस्त है भी बोलूंगी मैं कि बहुत ट्रेंडी भी लगता है आपको वार्म भी रखेगा तो अगर आप एक लेदर पैंट अफोर्डेबल प्राइस रेंज में लेने की सोच रहे थे तो कंग्रेचुलेशन आपको ये मिल गया आप ये ले सकते हैं इसका प्राइस जैसे मैंने बोला मुझे एग्जैक्ट पता नहीं मैं स्क्रीन पे जरूर मैंशन कर दूंगी और इसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे मैं तो बोलूंगी आप जल्दी से जाके ये ले लो इससे पहले कि ये आउट ऑफ स्टॉक चला जाए या इसका प्राइस इंक्रीज हो जाए तो ये प्राइस में ये बहुत ही अच्छा पैंट है एक्चुअली मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने प्राइस को लेके मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा अंदर का ऐसा फैब्रिक आएगा जब मैंने पार्सल खोला और देखा आई वॉज लिटरली इन शॉक कि मतलब इतने कम प्राइस में इतना अच्छा पैंट दे रहे हैं मैंने जैसे बोला मेरे पास ऑलरेडी एक लेदर पैंट है और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है वो भी शायद ट्वेल्व हंड्रेड थर्टीन हंड्रेड का था जब मैंने उसको लिया था ऐसा कुछ नहीं है मुझे एक्स्ट्रा अंदर थर्मल पहनना पड़ता है जब भी मैं उसे पहनती हूँ तो मैंने इससे भी उतना ही एक्सपेक्ट किया था कि थर्मल तो पहनना ही पड़ेगा लेकिन जब मैंने इसका अंदर का फैब्रिक देखा आई वॉज वेरी शोर मतलब इतने कम प्राइस में इतना अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं तो मैं तो हंड्रेड परसेंट इसे रिकमेंड करूंगी। तो रिव्यू सुन के आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि कितना पसंद आया मुझे ये सो so, ये तो हो गई इस पैन की बात अब चलते हैं हमारे तीसरे आइटम की ओर सो फॉर थर्ड आइटम आई मी ये एक बेज कलर में है ये स्कर्ट ये मैक्सी नहीं ये मेरी स्कर्ट है क्योंकि मुझे एंकल से थोड़ा सा ऊपर आता है ये और ये सेसेफ्रेस ब्रांड से है उनके बेसिक्स कलेक्शन से है और सेसेफ्रेस ब्रांड आपको अगर पता है मिंत्रा में बहुत फेमस है ये ब्रांड और इस ब्रांड के कपड़े बहुत ही अफोर्डेबल आते हैं और अच्छे भी आते हैं ट्रेंडी एंड अफोर्डेबल होते हैं एक्चुअली तो इन लोगों ने एक बेसिक्स का कलेक्शन भी लॉन्च किया है तो ये उसी कलेक्शन से है ये स्कर्ट रिब्ड फैब्रिक में है जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे ये एक रिब्ड स्कर्ट है और यू you नो know, एक बेज कलर का स्कर्ट मुझे चाहिए था क्योंकि मैं अपना वारोप बिल्ड कर रही हूँ और ऐसे बेसिक कलर्स यू you know, नो न्यूट्रल कलर्स मुझे चाहिए ताकि यू you नो know, वार्ड्रोप का बेस बन जाए ताकि वो मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है ऐसा वो प्रॉब्लम मुझे ना फेस करना पड़े और इस स्कर्ट में भी स्लिट दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना ये भी शायद नीटक ही आएगा जो ब्लैक स्कर्ट मैंने दिखाया था पहले उसी की तरह उतना ही लिट है इसका बड़ा मतलब और इसके वेस्ट में भी इलास्टिक दिया हुआ है ये भी स्ट्रेचेबल है जैसे कि रिब्ड फैब्रिक है तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेचेबल है ये बॉडी फिट में आता है और मुझे बहुत पसंद आया एक्चुअली लेकिन इसका फैब्रिक थोड़ा सा लाइट है आपको इसके अंदर मतलब न्यूट्रल अंडरगारमेंट्स ही पहनना पड़ेगा अगर आप थोड़े से डार्क कलर्स के लिए जाएंगे शायद से ये शो कर सकता है क्योंकि लाइनिंग तो दिया नहीं है और ये फैब्रिक भी थोड़ा सा लाइट है और कलर भी लाइट है तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर आप डार्क अंडर गारमेंट्स पहने तो शो कर सकता है लेकिन न्यूट्रल के साथ आप जा सकते हैं उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा इसका भी प्राइस फाइव हंड्रेड या सिक्स हंड्रेड ऐसा कुछ था शायद मुझे अभी एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं इसमें लिखा थर्टीन नाइन्टी नाइन है लेकिन उतना दे के मैंने ये नहीं लिया होगा आई नो तो इसके एग्जैक्ट प्राइस मैं स्क्रीन पे जरूर मेंशन कर दूंगी और इसके लिंक्स भी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप इसको ले सकते हैं बहुत ही न्यूट्रल पीस है विंटर स्टाइलिंग में बहुत काम आएगा बहुत कलर्स के साथ जाएगा और बेसिक से एलिवेटेड लुक्स तक आप इसको पहन पाओगे इतना अच्छा है ये मतलब मुझे पसंद आया पर्सनली और बहुत ही स्टाइलिंग आइडियाज है मुझे इसको लेकर सिर्फ इसी को नहीं इस हॉल के सारे आइटम्स को लेकर मैं इन सबको बहुत ही अलग अलग टाइप से स्टाइल करने वाले अगर आपको वो सब देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना शॉर्ट्स भी मैं डालूंगी इसको लेकर और हो सकता है मैं फुल लंच स्टाइलिंग वीडियोज भी डालू तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा तभी आप यू you नो know, जब भी मैं डालूंगी कोई वीडियो शॉर्ट्स आपको पता चलेगा और आप देख पाओगे और आपको भी आइडियाज़ आएंगे कि हाँ मैं भी तो ऐसा स्टाइल कर सकती हूँ तो वो मत भूलना और बाकी इसमें कुछ बात करने के लिए है नहीं सिंपल सा स्कर्ट है बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत वर्सेटाइल है तो मतलब बहुत ही लुक्स के साथ आप इसको स्टाइल कर पाओगे तो ये हो गए इस स्कर्ट की बात अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ या फोर्थ आइटम की ओर सो फॉर द आइटम आई हैव दिस विद मी ये भी ब्रांड से है ये मैं एक बार पहन चुकी हूँ बाहर और मुझे बहुत पसंद आया ये मैंने इसको एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में लिया है और जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि कभी ऐसा जीन नहीं मिला जो मतलब मैं बोल पाऊँ कि ये मेरे लिए लॉन्ग है या ऐसा कुछ हर कोई जीन्स में मुझे ये प्रॉब्लम होता है कि वो छोटा है थोड़ा सा एंकल तक ही आता है और दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता लेकिन ये जीन्स ने मेरा वो भ्रम तोड़ दिया ये पहला ऐसा जीन है जो मेरे लिए लंबा हो रहा है लंबा इन द सेंस हील के साथ मतलब परफेक्टली आएगा ये थोड़ा सा शूज के साथ थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन हील्स के साथ परफेक्ट होता है और मैं इतने सालों से शॉपिंग कर रही हूँ आज तक मुझे ऐसा जीन्स नहीं मिला तो ये देख के पहन के तो मैं बिल्कुल ही शौक हो गई अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारे जीन्स ही यहाँ से ही लूँगी सफर से ही लूँगी मुझे इतना पसंद आया और अगर आप मेरी तरह तौल है या मुझसे भी तौल है तो आपके लिए ये परफेक्ट होगा और इनका ये न्यू कलेक्शन है और इस कलेक्शन के सारे जीन्स मुझे देख के मतलब ऐसा लग रहा है कि इसी की तरह टॉल होंगे और ये बिल्कुल हाई वेस्ट है पूरा हाई वेस्ट है जो बहुत अच्छी बात है मुझे हाई वेस्ट जीन्स बहुत पसंद है लेकिन वो यू you नो know, परफेक्ट हाई वेस्ट मुझे कभी नहीं मिलता या तो परफेक्टली हाई वेस्ट नहीं होगा या लेंथ में कुछ प्रॉब्लम होगा लेकिन ये जीन्स वो सारे बॉक्सेस को टिक करता है ये परफेक्ट हाई वेस्ट है इसका लेंथ परफेक्ट है दिखने में बहुत अच्छा है क्वालिटी बहुत अच्छा है इसमें यहाँ पे एक मेटल बटन दिया हुआ है और जिप है इसमें इसके फ्रंट में दो पॉकेट्स है जैसे कि आप देख सकते हैं पॉकेट्स में ऐसे डिटेलिंग दिया हुआ है सिर्फ पॉकेट्स में ही नहीं पूरे साइड में ऐसे दिया हुआ है जो बहुत यूनिक बनाता है इसको मतलब मैंने पहले ऐसा जीन्स नहीं देखा इसके पीछे भी दो पॉकेट्स है और पॉकेट्स छोटे छोटे नहीं है बहुत बड़े बड़े हैं तो फ़ोन वोन सब कुछ बहुत फिट आ जाएगा आप देख ही सकते हैं इतना बड़ा है ये पॉकेट और ये स्ट्रेचेबल भी है थोड़ा सा इतना नहीं थोड़ा स्ट्रेचेबल है मैंने इसमें 26 सिक्स साइज लिया था एक्स्ट्रा स्मॉल और ये मुझे परफेक्टली फ़िट आ रहा है हर जगह से तो मैं तो बहुत खुश हूँ इसको लेकर इसका प्राइस भी उतना नहीं था शायद थाउजेंड के अंदर ही था शायद से मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो अभी याद नहीं मैं स्क्रीन पर ज़रूर मैंशन कर दूंगी आप चेक कर लेना और थाउजेंड रुपीस ये जीन्स के लिए बहुत ही कम है मैं बोलूँगी क्योंकि बहुत सारी जीन्स मैंने खरीदे हैं अभी तक और सभी थाउजेंड के ऊपर ही है ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी टू हंड्रेड ऐसा कुछ लेकिन थाउजेंड के अंदर ये मेरा पहला जीन्स है और ये बिल्कुल परफेक्ट है अभी तो मेरा मन ही नहीं करेगा कि मैं दूसरा कोई यू नो ब्रांड ट्राई करूँ जीन्स के लिए क्योंकि ये इतना कम प्राइस में इतने अच्छे जीन्स दे रहा है तो मैं क्यों अपना पैसा वेस्ट करूँ कोई और ब्रांड ट्राई करके और उसमें भी मुझे वो फिटिंग इशूज़ आएंगे या ऐसा कुछ मैं तो इसी कलेक्शन से शॉप करने वाली हूँ मैं सोच रही हूँ कि इस कलेक्शन के और जीन्स खरीदू अगर आपको देखना है तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा मैं जरूर खरीदूंगी और आप सबको भी दिखाऊंगी और इसके हेम में भी ये डिटेलिंग दिया हुआ है ये थोड़ा सा यू नो लूज छोड़ा हुआ है डिटेलिंग दिया हुआ है मतलब बहुत ही यूनिक है ये जीन्स और बहुत परफेक्ट है मुझे बहुत पसंद है और मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूंगी लेकिन आपका हाइट अगर कम है यू नो फाइव फोर फाइव फाइव ऐसा है तो आपके लिए ये लंबा होगा फॉर श्योरली टॉल गर्ल्स के लिए ज्यादा है अगर आप लेना भी चाहें तो आपको ये कटवाना पड़ेगा तो आप ले सकते हैं लेकिन फॉर माई टॉल girlies आप बिल्कुल इसे ले सकते हैं ट्रस्ट me मुझे इतना मतलब एक जीन्स से कभी नहीं मिला जो मुझे इस जीन्स से मिला मतलब आई एम तो लविंग दिस मैंने पहन भी लिया है और मैं बहुत पहनूंगी इसको मुझे पता है और अगर आपको लेना है ये इसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप चेक करना बिल्कुल मत भूलना तो ये हो गई इस जीन्स की बात अब चलते हैं हमारे लास्ट आइटम की ओर सो फॉर द लास्ट आइटम आई हैव दिस ब्लैक मिनी स्कर्ट विथ मी और एक मिनी स्कर्ट विंटर के लिए तो मस्ट हैव है यू you नो know, ताकि आप वो फ्लीस लाइन वाले स्टॉकिंग्स पहन सको हाई बूट्स पहन के स्टाइल कर सको मतलब मिनी स्कर्ट्स अच्छा लगता है विंटर्स में पहनना तो ये स्कर्ट भी सेसेफ्रेस ब्रांड से है मैंने शायद तीन आइटम तीन आइटम सेसेफ्रेस से ही ले लिया क्योंकि जैसे मैंने बोला इस ब्रांड के कपड़े अच्छे होते हैं ट्रेंडी होते हैं और साथ ही में अफोर्डेबल होते हैं तो आपको उतना पैसा नहीं देना पड़ता मुझे बहुत पसंद है ये ब्रांड इसका भी प्राइस शायद से टू हंड्रेड था इसमें लिखा तो सिक्सटीन नाइनटी नाइन है लेकिन मैंने उतना तो नहीं दिया है फॉर श्योर sure. इसमें मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज लिया हुआ है ये ब्लैक इन कलर है तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्लेन नहीं है इसके मिडिल पार्ट में ऐसा एक नीट का डिटेलिंग दिया हुआ है इसके फ्रंट में ही नहीं इसके बैक में भी वैसा ही डिटेलिंग दिया हुआ है जो इसको बहुत ही यूनिक बनाता है वो नो प्लेन मिनी स्कर्ट्स की तरह नहीं है इसके पीछे जिपर दिया हुआ है ऐसे ये खुलता है और ये बहुत क्लासी लगता है मतलब इसका ये डिटेलिंग के वजह से बहुत ही क्लासी लग रहा है ये है इसके यहाँ पे भी एक स्लिट दिया हुआ है छोटू सा मिनी स्कर्ट्स में ये स्लेट तो बहुत अच्छा लगता है मुझे और इसके पीछे थोड़ा ऐसा इलास्टिक दिया हुआ है दोनों तरफ ताकि यू नो आपको अच्छे से हग कर पाए और एक ब्लैक मिनी स्कर्ट विंटर के लिए तो चाहिए होता है और ये भी एक वर्सेटाइल सा पीस है आपके वर्ड्रोब के लिए और तो इसे बहुत तरीकों से स्टाइल करने वाली हूँ और यू you नो know, बहुत ही आउटफिट्स के साथ मैं इसको पैरअप करने वाली हूँ अगर आपको वो देखना है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मेरे शॉर्ट्स देखना बिल्कुल मत भूलना और अगर आपको इसके भी लिंक्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना मैं वहां इसके भी लिंक्स दे दूंगी अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वहाँ से शॉप कर सकते हैं सो वी आर डन हमने हमारे सभी आइटम्स के बारे में बात कर लिया और अगर पर्सनली आप मुझे पूछे तो इस हॉल से मैं शॉक जरूर से हुई हूँ इनकी क्वालिटी को लेकर मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे क्वालिटी थे सभी के तो अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो आप ले सकते हैं मैं सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहाँ चेक कर लेना और मुझे जरूर से बताना कि आपको आज का हॉल कैसा लगा या कौन सा आपका फेवरेट आइटम था या फिर आपके पास मेरे लिए कुछ सजेशंस हो यू you नो know, कि आप ऐसा हॉल बनाओ विंटर वेयर हॉल बनाओ या यू नो स्वेटर्स लो या मीशो हॉल बनाओ मिन्ट्रा हॉल बनाओ ऐसा कुछ भी आपके पास सजेशंस है तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना मैं जरूर से कंसीडर करूँगी और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब And I'll see you on next Sunday. Bye.